एक मेरे दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त ने उसको बताया, दोस्त को, वो दोस्त मुझे कहने लगा कि उसको फेसबुक में किसी लड़की से इश्क हो गया। अब देखे कहानी कहाँ तक पहुँची, कहने लगे कि वो अरे सब बात करते रहे करते रहे करते रहे, कभी रात में बात कर रहे हैं, कभी दिन में बात कर रहे हैं, अपना दिमाग ख़राब कर दिया, सुकून ही नहीं है, कभी 3 बजे तक गपशप कर रहा है, कभी 2 बजे तक कर रहा है, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है कि मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। अब करते 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 बात करता रहा, अब ये भी परेशान। अब दोस्त ने कहा भाई हुजूर जी आते भाई, तेरे को क्या पता सोशल मीडिया का दौर है और तेरे को पढ़ाने वढ़ाने का तरीका नहीं आता। दोस्त ने कहा अच्छा ले ले मजे, तू ले ले। अब ये बात करता रहा करता रहा करता रहा, उस लड़की ने उसको बुलाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। बोले मैं भी आपसे मुलाकात करने को दिल चाह रहा है। अच्छा जी मिल लेते, तो जब हजरत साहब गए मुलाकात करने किस इलाके में उन्होंने बुलाया, कहने लगे देखना मुलाकात करना, बाग नहीं जाना, कहने लगे मुलाकात करूंगा, कहने लगे मैं ऐसा वैसा आशिक नहीं हूँ, मैं तो सच्चा आशिक हूँ। अच्छा मुलाकात करते हो तो भाग नहीं जाना। अब वो जो तस्वीरें मंगवाता था उस वक्त वो बेचती थी यंग तस्वीरें, ये तो ठलकी किस्म का था, इतनी खूबसूरत इतनी हैंडसम। अब जब वो उसके मकाम पर पहुंचा जहां उसने बुलाया, तो जब वो उससे दर्ज किया तो वो तो 80 साल की बुढ़ी थी और ये 19 साल का नौजवान लड़का था। इसने देखा और बाइक को किक मारी और भगा के ले गया। तो ये आके मेरे दोस्त को फोन कर रहा है, कहने लगा यार बात तो तूने सीधी की थी, मैं ही नहीं सुन रहा, वे बुढ़ी औरत थी। तो फेसबुक से अगर आप इश्क करेंगे, इंस्टाग्राम से आप किसी से इश्क करेंगे तो ये तो होगा। बहुत सारे वाकयात है, कोई लड़के जो है ना, लड़के लड़की की आवाज़ में जो है ना लड़कों से पैसा हड़प रहे हैं, और लड़कियां ये इश्क करती हैं, खुश तो हैं। देखें ऐश करना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है जी। अगर हो गई तो उसका तरीका कार ये, वालिदैन को कहें शादी करें, नहीं तो नंबर ब्लॉक कर दो और साइट पे हो जाओ। अगर कुछ नहीं होता तो फिर दिमाग खराब करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी लड़कों से गुजारिश है, फेसबुक पे जो है ना फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझना, सीधा सीधा निकाह का पैगाम भेजो, लड़की देखो, चेक करो, निकाह करो, बच्चे मच्चे दौड़ाधड़ पैदा करो, ये चीज़ है असल। तो इस पर टेंशन नहीं है, सुकून ही सुकून है। हाँ किस टेंशन के पीछे पड़ गए, 1-2 महीना आप टेंशन लेते हो, फिर उसके बाद वो भी जाके बुढ़ी निकले तो फिर क्या होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।